अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक, नई सुबह नए मेहमान नई सुबह के साथ। जैसा कि आप सबको पता है हमारे सिंध की सिचुएशन क्या चल रही है। इस टाइम हमारा सिंध 80-90% बिल्कुल डूबा हुआ था, जो कि मैं कह सकती हूँ 5-10% कुछ जो लोग हैं जिन्होंने सेव किया, हमारे करप्टेड लोग जो हैं वो करप्शन करने की वजह से, जो कि फ़ंड नहीं देते किसी को, जो कि हमारे इदारों में अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं हर सीट पर, उनको फंड्स नहीं मिलता, वो अपनी जेब पुराई करते हैं, जैसे मैंने कुछ अर्सा पहले किया और कर भी रही हूँ। इवन अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि मैं कह रही हूँ मैं कल से खुद ना फंड मांगने लग जाऊँ रोड्स पर। लेकिन खैर, आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो बेसिकली दादू से बिलोंग करते हैं और कराची, इनको मैंने इन्वाइट किया अपने शो पर। उनका जब मैंने सोशल मीडिया चेक किया, लाइक आप सबको पता है टिकटॉक एक ऐप ऐसा है जो हर बंदे के मोबाइल में इंस्टॉल है और टाइम पास के लिए भी यूज़ करता है, किसी ने इसको फीचर बना लिया, मतलब हर एक की अपनी एक राय होती है। तो जब मैंने टिकटॉक ऐप खोला, उस पर उनकी एक वीडियो मेरे सामने आई, तो मैंने वहाँ से उनसे कॉन्टेक्ट किया। खुद सिर्फ ऐसे लोगों को मैं कॉन्टेक्ट इसलिए करती हूँ अप्रिशिएट करने के लिए कि अप्रिसिएशन एक सोशल मीडिया आर्टिस्ट हो, एक पॉलिटिशियन हो या कोई भी रियासती से बिलोंग करता हो, बहुत ज़रूरी होती है अप्रिसिएशन एक इंसान की। तो मैंने उनको अप्रिशिएट किया। जो आज हमारे साथ मौजूद हैं कामरान शेहानी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PSF डिस्ट्रिक्ट दादू के, तो वेलकम करते हैं अपने शो पर उनको। उनके साथ उनके करीबी दोस्त मौजूद हैं जो कि उनके साथ हमदम काम करते हैं, उनको भी वेलकम करते हैं, सरताज बलोच को। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं कामरान आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में। ऑलवेज तारा रारा आपको पता है हैप्पी होती है और खुश होती है और खुश रखती है लोगों को, यह पता नहीं है लोगों को, आप पूछेंगे तो पता चलेगा ऐसा है कि नहीं है। अच्छा कामरान, ये बताएं सबसे पहले ज़िंदगी कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। तो गाइस, मैं सबको बताती चलूँ, कामरान शाहानी जो कि फ्लड में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे थे और कर रहे हैं, बहुत लोगों की हेल्प आउट की, हेल्प मदद की है, तो मैं इनसे पूछूंगी क्या सिचुएशन रही है सिंध की, क्या देखा इन्होंने हमारे सिंध में जो हमारा फ्लड आया, कैसे कैसे लोग मिले, क्या फंडिंग मिली नहीं मिली, गवर्नमेंट कितना काम किया, गवर्नमेंट ने क्या बिल्कुल काम नहीं किया। जैसा कि मेरी नज़र में तो अभी तक तो मुझे कोई रिपोर्ट नहीं मिली, ना ही कोई फंड पास हुआ। सबसे पहले आपका मैं बहुत शुक्र हूँ, आपने हमें बुलाया और आपके अल्फाज के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात, आपने जो बोला कि गवर्नमेंट नाअहल है, उससे मैं एग्री नहीं करता हूँ, इस पर बात कर लेंगे। अभी ये जो आपने बात की है फ्लड की, तो देखें ये नेचुरल डिज़ास्टर है। मैं समझता हूँ कि सिंध के साथ पूरा पाकिस्तान जो सैलाब की जद में आ चुका है, क्योंकि सिंध के साथ हमारा दूसरा जो पड़ोसी सूबा है बलूचिस्तान, वो भी मुकम्मल तबाह हो चुका है। तो यकीनन इस बात में कोई शक नहीं कि सिंध उनसे ज़्यादा मुतासर हुई है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम कर रही है, क्योंकि आपको पता है कि सिंध हुकूमत के पास महदूद वसाइल के हिसाब से सिंध हुकूमत अपना काम कर रही है और जितना वो चाह रहे हैं उतनी रिलीफ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखें कि लोगों को मिल रहा है, लेकिन जितनी उनकी तवक्कात हैं, जितनी उनकी ज़रूरत है, उस मुताबिक नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारे महदूद वसाइल है सिंध गवर्नमेंट के। जैसा कि आपने कहा कि हम जो काम, मैं आपकी बात कट करूंगी, मुझे आप ये जवाब दें, मुझे पता चला कि हमने तो भाई 20 ट्रकें यहाँ से निकाली हैं। भाई यहाँ पे अगर आप शारा फैसल पे कराची में विजिट करें, रात 11 बजे जब यहाँ पे ट्रक्स निकलती हैं, टैंकर्स निकलते हैं, हैवी व्हीकल्स निकलती है, तो रोड ब्लॉक मिलता है वहाँ पे। एक एक घंटा हम फार हो जाते हैं, रोड ब्लॉक होता है। यहाँ पे तो 20 ट्रकें तो दूर की बात है, मैंने तो रोड पे एक ट्रक भी नहीं देखी गवर्नमेंट की। तो जरूरी नहीं आपने देखी तो नहीं मिल रही, ऐसा नहीं, किसी ने नहीं देखी, किसी ने नहीं, आपने देखी नहीं। अच्छा आप क्या कहेंगे इस बात से? नहीं देखें, फ्लड तो पूरे पाकिस्तान में भी ऐसा आया ही है, ऐसा ही है। तो सिंध गवर्नमेंट जो अभी काम कर रही है, तो मेरे हिसाब से जो हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं वो लोगों तक आहिस्ता आहिस्ता हम पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अच्छा आप बात कर रहे हैं इंडिविजुअली, मैं बात कर रही हूँ गवर्नमेंट की। क्या गवर्नमेंट ने आपको फंड प्रोवाइड किया? देखें जो हम तक पहुँचता। अच्छा आप भी माशाल्लाह एक सीट पे हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट दादू में आप इस टाइम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो आप मुझे ये बताएं आपको गवर्नमेंट ने फंड दिया? बिल्कुल दिया। आपको गवर्नमेंट ने फंड बिल्कुल दिया। हमने गवर्नमेंट के साथ हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के खुसूसी अहकाम थे कि PSF और अदीब फरियाद चालपुर साहिबा के PSF और यूथ इंतजामिया से मिलकर उनके साथ काम करें।
तो जैसे कि हमने डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलकर पाक नेवी के साथ कोलैबोरेशन के साथ हमने दो टेंट सिटीज कायम की, दो टेंट सिटीज, एक स्टेशन रोड पे, दूसरा न्यू सब्जी मंडी पे। ठीक है, जो टेंट्स मिले थे और जो राशन मिला था गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था। आपने इंडिविजुअली वर्कआउट नहीं किया गवर्नमेंट? इसमें अंदर ने हमारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। वैसे आप इंडिविजुअली काम कर रहे हैं? कर रहे हैं, बिल्कुल। आप इंडिविजुअली खुद क्या कर रहे हैं? लड़कियों वाले जी, हमने अभी तक जो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, हमने 1000 से ज्यादा लोगों तक राशन पहुंचा चुके हैं और पहुंचा भी रहे हैं अभी तक। और हमने कराची के दोस्तों की मदद से जो कपड़े हमें मिले हैं वो भी हम उन तक पहुंचा रहे हैं अभी तक। कल भी आपने देखा था मेरा स्टेटस, तो जो हमारे पीएसएफ के सूबाई सदर है मंसूर शानी साहब, मेरे बड़े भाई भी हैं, तो वो खुद जाके लोगों से मिल रहे हैं और उनसे बातें भी कर रहे हैं और उन तक सहूलियत भी पहुँचा रहे हैं ताकि उनके मसाइल को चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदार तक पहुँचाया जाए। तो आप देखेंगे अभी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है, तो आप देखें कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी जो कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के हालात को बचाने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि पाकिस्तान सैलाब के जद में है, तो देखें यूएन को मजबूर कर दिया कि उन्होंने अपने सेक्रेटरी जनरल को भेजा कि आप जाएं पाकिस्तान के हालात को देख कर। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। आप क्या कहेंगे? देखिए कामरान भाई ने जो बताया, गवर्नमेंट जो काम कर रही है, फंड्स जो दे रही है, हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं अपने पीएसएफ की टीम की तरफ से, तो हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। ठीक हो गया, इनकी बात रही गवर्नमेंट तक की। अगर मैं इंडिविजुअली वर्कआउट करूं, जेडीसी वर्कआउट कर रहा है हमारी एक अच्छी, अच्छा जफर अब्बास को मैं सैल्यूट करती हूं, जिन्होंने बहुत सारा जो तीन तलवार पे अगर आप जाके देखें तो रोड ब्लॉक हो जाते हैं उनके, इतना है अगर वो वहां से सामान ना उठाएं। मैं बात करूँ एसडीआरसी के, जो कि पिछले हफ्ते मेरे शो के गेस्ट रह चुके हैं और वो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जैबुल के हैं, और सब स्टूडेंट्स ने मिलके वो वर्कआउट किया, जिनका कैंप अभी तक लगा हुआ है तीन तलवार पे, अगर आप जाके देखें वो अभी तक वर्कआउट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं दीगर कैंप्स की, तो आपको शायद सुनने में आया हो जमात असेंबली जो इस्लामी, जो कितनी गवर्नमेंट से क्लोज है आपको ही पता है, उन्होंने राशन लेकर बेचा है, पता चला है आपको? क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखेंगे सारी सियासी जमायत तो सादिक और अमीन तो नहीं है, ऐसा ही है। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जैसा नजरिया दूसरे लोगों के पास नहीं है। अच्छा। तो उनका तो काम ही यही है टांगा पार्टी जैसा। आप पीपी सपोर्टर हैं? बिल्कुल, पीपी के, बिलावल के सपोर्टर। बिल्कुल, देखिए अगर बेच रहे हैं तो ये उनका, आप कहें मैं आजाद उम्मीदवार हूँ उनकी पार्टी का मसला है ये, इसमें तो हम, लेकिन ये गलत चीज है, ये गलत चीज है। मैं आपसे एक वाक्य शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल, ये एक दफ़ा मौला अली राशन बांट रहे थे मुस्तकों में, तो कुछ जो मालदार थे वो भी उनमें से शामिल हो चुके, तो मौला अली को अपने साथियों ने बताया कि मौला ये मुस्तक नहीं है, तो मौला ने कहा इंशाल्लाह ये मुस्तक हो जाएंगे, तो ये भी इंशाल्लाह जमात इस्लामी वाले भी सवाल के शिकार हो जाएंगे, मुस्तक हो जाएंगे। बहुत डीप बात है, ऐसा ही है। तो खैर ये मसले मसाइल चलते रहते हैं, इंसान को इंसान के काम आना चाहिए, वक्त हर एक पे आता है। जैसा कि मैंने अगर विजिट किया, मैं ज़्यादा दूर तक नहीं गई, मैं हैदराबाद, कोटरी, जामशोरो, इन सिटीज़ में गई जहाँ से खैरपुर नातन शाह से लोग माइग्रेट होके आए, नौशहरों से काफ़ी लोग माइग्रेट होकर आए, तो मैंने जहाँ विज़िट किया तो वहाँ पर बहुत नीडी लोग थे, वो वहाँ पर बहुत पुअर पीपल्स थे, वहाँ पे उनको मेडिकल कैंप्स की ज़रूरत है, वहाँ पे उनको राशन की ज़रूरत है, और वहाँ पे मेरी नज़र में वो खुद उनका कहना था कि हमें गंदा पानी दिया जा रहा है जो कि साफ़ सुथरा पानी पीने का नहीं है। वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास खाने को अगर बिरयानी के शॉपर्स आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या कोई बंदा भी कर रहा है तो वो ऐसे हमें ला के देते जैसे कुत्ते के आगे फेंकी जाती है रोटी। तो मैंने हमेशा ये रिक्वेस्ट की अपनी गवर्नमेंट से, अपील करती हूँ क्योंकि मेरे बोलने आपके बोलने से कुछ नहीं, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है अपनी गवर्नमेंट से कि आप लोग नज़रसानी करें ऐसे लोगों पर जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, जो इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त में हैं। अगर आप जाके देखें सुपर हाईवे पर तो वहाँ कितने टेंट लगा के फैमिलीज़ को लोग लेके बैठे हैं, आपने विज़िट किया होगा अगर आप आए होंगे कराची, आपने विज़िट किया होगा जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग शिफ्ट हुए हैं, तो उनकी हेल्प आउट कोई नहीं कर रहा, उनकी मदद कोई नहीं कर रहा, ऐसा क्यों है? मैं जैसे मुझे आज कॉल आई है नौशहरो सिटी में, बोला मैडम प्लीज़ राशन का ट्रक भिजवाएं, तो मैं भी जितना कर रही हूँ कर सकती हूँ, खुद को तो अब बेचने से रहे हम लोग, तो जितना हेल्प आउट होता है अब ये गवर्नमेंट से अपील कर सकते हैं कि थोड़ा वहाँ भी नज़रसानी करें, क्या कहेंगे? बात यह है कि जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हुकूमत काम कर रही है लेकिन लोगों के तवक्कात बहुत ज़्यादा, अगर कहीं पे चार ट्रक की ज़रूरत है वहाँ पे एक ट्रक पहुँच रही है तो उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही, तो उस वजह से ये कर रही। अभी मैं आपको अगर आप दावत दूँ आपको
कि चले हमारे साथ दादू, तो मैं आपको उस जगह लेके चलता हूँ जहाँ पे सैलाब मुतासरीन बैठे हुए हैं। तो ठीक हो गया, आपकी बात मैं काट रही हूँ। मुझे आप ये बताएं, किसी MPA के घर के आगे पानी नहीं खड़ा हुआ, किसी MLA के घर के आगे पानी नहीं खड़ा हुआ, किसी मिनिस्टर के घर के आगे पानी नहीं खड़ा हुआ, तो ये गरीबों के घर के आगे क्यों पानी? ये सवाल तो खुदा से करनी पड़ेगी। वो उन्होंने अपने घर के आगे पानी यूं साफ करवाया है ना, गरीब किसकी सुने? अभी मैं आपसे एक बात क्लियर कर दूं, जो जिन लोगों के घर गिरे हैं और कच्चे मकान थे, तो ये तो जाहिर सी बात है, इवन एज MPA और जो साहब ऐसे लोग हैं, तो कच्चे मकान में तो नहीं रहते। ये वर्कआउट कर रहे हैं हमारे मिनिस्टर्स? बिल्कुल कर रहे हैं। अगर मैं दादू का मिसाल दे दूं, हाँ। क्योंकि दादू के मुझसे आप दादू सिटी से है ना, आप ओवरऑल बात करें सिंध की। मैं आपको, आप कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं नुमाइंदे, तो मैं पहले दादू से शुरुआत करता हूँ कि दादू मेरा जो बेसिकली दादू के ताल्लुक है, दादू का ताल्लुका है जोही, उससे मेरा ताल्लुक है। जोही पूरा का पूरा ताल्लुका डूब गया है सैलाब की जद में आ चुका है, क्योंकि हमल डंड और मंचो डंड के बीच में है जो है, तो उस वजह से जो पानी सैलाब का आता है बलोचिस्तान से, वो भी वहीं से गुजरता है, तो उस वजह से पूरा जो ही डूब गया। तो मैंने सोचा सिटी को बचाएं, सिटी को बचाएं, अगर सिटी डूब गया तो कुछ नहीं बचा। तो सिटी को बचाने के लिए हमारे जो जोही के MP है पीर सैयद साले शाह जिलानी साहब, वो खुद वहाँ पे गए और वहाँ पे बैठे रहे और मशीनरी प्रोवाइड की, लोगों को हर जरूरत मुहैया करके दी, और अभी तक वहाँ पे काम जारी है इंशाल्लाह सिटी को बचाने के। दिन में कितने केसेस आपके पास आते हैं, किस टाइप के लोग आते हैं अपने मसले लेकर? लड़के वाले राशन और टेंट की नीड है फिलहाल। तो मुझे ये बताएं, एक टेंट 10,000 का था, जिन्होंने 15,000 का कर दिया, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनको मैं कहूँगा कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। आमीन। आप भी कहें आमीन। क्योंकि ये तो शुरू से ही रहा है हमारे पास। अगर मैं कहता हूँ कि पता चले कि कल कयामत है, तो हम कफन कोई महंगा करके ऐसा ही है। तो ये तो हम मुसलमानों में कोई बेईमानी अंदर में आ गई है। कोई एक दफा की ये वाकया भी है कि एक जो नॉन मुस्लिम था, उसके बाद किसी मुस्लिम ने वो अपना सामान अमानत के तौर पर रखा और कहा कि भाई मैं फिलहाल दिन आऊँगा और आपसे ले जाऊँगा। कुछ टाइम के बाद वो बंदा उस नॉन मुस्लिम के पास गया और बोला कि मेरा अमानत दे दे मुझे, तो उसने मना कर दिया देने से। उसने बोला कि मेरे पास अमानत है ही, अच्छा दिया ही नहीं तुमने। उसने बोला यार ये क्या है, वो मुसलमान हो के ये काम? नहीं, वो नॉन मुस्लिम था, अच्छा। जिसने कहा मेरे पास नहीं है। तो वो मुसलमान नॉन मुस्लिम का जो लीडर था उसके पास गया और उसे बोला कि आपका फिलहाल जो बंदा है उसको मैंने अमानत दी और वो अमानत में खयानत कर रहा है। तो उसने उसको एक खत दिया और बोला कि तुम्हें पढ़ना नहीं है। तो वो खत लेकर जब नॉन मुस्लिम के पास वो गया, बोला कि तुम्हारे हाकिम ने भेजा है, तो उसने पढ़कर वो रोने लगा और उसे अमानत वापस दे दी। तो उसने बोला कि भाई ऐसा क्या लिख दिया इसने, हाँ। नहीं बता रहा था, लेकिन उसने बताया कि उसने लिखा है कि क्या तुम मुसलमान हो गए। तो हम मुसलमानों की यही अब बची है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तो जिंदगी के मसले हैं, इंसानों के मसले हैं, लोगों के मसले हैं। और वो कहते हैं अल्लाह पाक जो है ना आजमाइशें देता है और इंसान का काम है उसको। आजकल तो ये भी है कि लोग कैंप्स लगा के बैठे हैं आपस में लड़ रहे हैं, ये मेरा कैंप है, ये मेरा कैंप, सही बात है। या फोटो सेशन में काम कर रहे हैं कि ये हमने कैंप लगाया। नहीं नहीं, तो वो बंदा आके बेचारा बैठ रहा है, अगर वो इमदाद नहीं कर रहा ना, तो उसको बोल रहे भाई टूट के जाइए, कैंप मेरा है। तो मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों पर जो अभी भी हमारे सिंध इतनी मुश्किल वक्त में है, वो अभी भी तेरा मेरे पे खड़े हैं। तो सबको अल्लाह हिदायत दे। मेरी सबसे यही है कि जो जो इस टाइम इस मुश्किल वक्त में है, अल्लाह पाक उनके मसले हल करें। आई अगेन अप्रिशिएट यू कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे मेहनत करते रहें, ऐसे काम करते रहें। क्या मैसेज देंगे हमारी गवर्नमेंट को, आप अपने फैंस को, अपने व्यूवर्स को, अपने दादू डिस्ट्रिक्ट को? सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट से ये बात करना चाहूँगा कि आप जितना काम कर रहे हैं, मैं उस काम को मानता हूँ और उस काम को अप्रिशिएट भी करता हूँ, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है ओवरऑल पाकिस्तान में, वहाँ पे मैं समझता हूँ कि इंसान कोई भी इंसान हो तो बेईमान है, तो वो जो ब्यूरोक्रेसी हमारी पूरी की पूरी बेईमान बन चुकी है। आप थोड़ा चेक एंड बैलेंस रखें, आप जो दे रहे हैं वो लोगों तक ठीक तरीके से नहीं पहुँच पा रही है। आज भी मैंने साई कैमली शाह का जो हमारे एक CM रह चुके उसका बयान पढ़ा कि हुकूमत दे रही है लेकिन जो डिसीज है वो नहीं पहुंचा पा रहे लोगों के पास। ऐसे ही तो आप जो है हमारे गवर्नमेंट के वो डिसीज को बाउंड करें कि लोगों तक पहुंचाएं। और उसके साथ साथ मैं दादू के लोगों को भी ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये आजमाइश खुदा की तरफ से, हमें सब्र किसी से काम लेना है। इंशाल्लाह ताला हम सब कौम बनकर
एक दूसरे की मदद करके इंशाल्लाह इस नेचुरल डिजास्टर से निकल के आएंगे। और आपके तवसुल से एक पैगाम मैं ज़रूर देना चाहूँगा अपने लोगों को जो सैलाब की जद में आ चुके हैं कि अभी क्या होता है कि जैसे आपने कहा कि वो राशन दे रहे होते हैं जैसे कुत्ते को दे रहे, ठीक है, उसकी एक वजह और भी है क्योंकि मैं खुद गया हुआ हूँ, मुझे पता है। अगर आप फर्ज करें आपको पता है कि वहाँ पे 100 फैमिलीज रह रही हैं, तो आपके पास 400 बैग्स हैं, वहाँ पे 100 फैमिलीज हैं और आपके पास 400 बैग्स हैं, लेकिन आपको ऐसे घेर लेंगे जैसे आप कहेंगे मैं खुद सेफ नहीं हूँ। तो मैं उनसे उन लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि बराए करम सब्र और तहमल से काम लें, जो आपके लिए आया वो आपको ही मिलेगा। ऐसा ही है, आपके मैसेज देंगे। लेकिन जैसे कामरान भाई ने बताया सिटी गवर्नमेंट की जानिब से, तो सिंध गवर्नमेंट जो राशन पहुंचा रही है ज़िलों में, डिप्टी कमिश्नर के हवाले किया जाता है और लोगों तक सही नहीं पहुंच सकता, तो ये जो चीज़ है अच्छी तरीके से मना की जाए, टीम बनाई जाए, तो जो मुस्तक लोग हैं उन तक पहुंच सके। तो जी हाँ बिल्कुल, मेरा सबको ये पैगाम है कि खुश रहें, अपने घरों में आबाद रहें, दुख देना छोड़ दें, गम देना छोड़ दें, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, आपस में एक मिल बांट के रहें, इत्तेहाद इत्तेफाक बहुत ज़रूरी है, मुल्क में हो, इंसानों में हो, ज़ात में हो, ज़ात ज़ात पे नहीं जाएं, आजकल लोग ज़ात पे ही बड़ी बातें करते हैं, भाई तुम ये हो हम ये हैं, तो ज़ात पे नहीं जाएं, ज़ात पात पे जाने से कुछ भी नहीं होगा, अपने आप को सुधारें, अपने आप को ठीक करें, क्योंकि जब तक इंसान खुद ठीक नहीं होता तब तक कुछ नहीं हो सकता। और जहाँ तक बात रही मेरी आवाम की, मेरे कौम की, सिंध हम सबका है, हमारा फ़र्ज़ है सिंध का ख्याल रखना। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम जाएँ गवर्नमेंट को ही बोलें भाई तुम ख्याल रखो, हम जाएँ भुट्टो गवर्नमेंट को बोलें भाई सिंध तुम्हारा है तुम ख्याल रखो, सिंध हम सबका है, हम सिंध का हिस्सा है, तो हम सबका काम बनता है हम सिंध का ख्याल रखें। और मेरी सबसे यही गुजारिश है और सबको एक मैसेज है, जो जिस जिसको जो प्रॉब्लम्स हैं जितना मुझसे हो सका, जितना मेरी सोर्स है, जितने मेरे मुझसे हो सका, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं RNN न्यूज़ के पेज पर, तारा स्टैंडगढ़ पेज पर। अगर मेरे हाथ में हुआ तो मैं ज़रूर करूँगी, कामरान के हाथ में हुआ कामरान करेगा। तो प्रोटेस्ट में आपके लिए रोड्स पे निकलने की तैयार हूँ मैं, अपनी आवाम के लिए, अपने सिंध के लिए, अपने सिंध के लोगों के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो खुश रहें, आबाद रहें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ, नए गेस्ट के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ, नए टैलेंट के साथ। तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।